फ्रेश एंड मल्टी बॉय टोटल जोश हमारा है, स्टोरी तुम्हें सुनानी है। अब देश घने पुनि मंद मन मुस्कान बने, संकट में डाला पनघट पर जा, पन मिट कटवा गिरगिट बन जा। रुको हमको आज हमारी बारी है। ये चूहे कहाँ गए? स्टोरी सुनाने में लेट हो रहा है और ये बाटी बॉय, बाटी बॉय, बाटी बॉय। प्लीज देखो तो कहाँ सो गए हैं चूहे? हे हे हे, उठो, स्टोरी तुम्हारी वजह से रुकी है। तुम लास्ट मिनट स्टोरी डिसाइड करते हो और हमें टाइम ही नहीं मिलता। टाइम किस लिए? ये बनाने के लिए। मतलब? मतलब हमारे कर्नाटका की स्टोरी के पपेट्स है ये। तो ये इन्हें बना रहे हैं। मतलब ये हमारे तुम्हारे जैसे पैदा नहीं होते? नहीं बाल्टी बॉय, सदियों से कर्नाटका में लेदर या चमड़े से इन्हें बनाया जाता है। बेलारी, बीजापुर, चित्रदुर्गा, धारवाड़, गुलबर्गा, चिकमंगलूर, कोलार, मांड्या, मैसूर, रायचूर, तुमकुर, यहाँ पे चिक्का तोगलू गोम्बे आटा और दोड्डा तोगलू गोम्बे आटा की परंपरा है। गोम्बे क्या? चिक्का तोगलू गोम्बे आटा मतलब छोटी कठपुतलियाँ और दोड्डा तोगलू गोम्बे आटा मतलब बड़ी। इतना ही नहीं, ये कलाकार किली किली आटा, कन्नड़ा में उन कलाकारों को किली किली आटा कहते हैं। पुराने जमाने में ये लोग स्टेज और पपेट्स दोनों को साथ लेके गांव-गांव घूमते थे और बहुत शोज करते थे। लेकिन इन पपेट्स में जान कैसे आती है? उनमें जान हम डालते हैं। कैसे? हमारी कहानी के साथ। सुनो सुनो ये बात पुरानी, मगरमच्छ और बंदर की कहानी। मगरमच्छ? हाँ, बुद्धू बॉय। झूठे मूठे लोगों से तुम बचना, बुरा फंसोगे। अरे बुरा फंसोगे, अरे बुरा फंसोगे जो मेरी बात न मानी। तो सुनो सुनो मगरमच्छ और बंदर की कहानी। अरे डार्लिंग, यहाँ सब दांत साफ कर रहे हैं। लेकिन भाई खाना तो कुछ लाते नहीं। भाई बोलते दांत साफ करके क्या मुझको कहोगे? थोड़ा सुनो। अयो मेरी माँ की बात मैंने क्यों नहीं मानी? मेरी बात तो सुनो। माँ ठीक ही कहती थी, प्यार व्यार से पेट नहीं भरता। नहीं वो मैं मुझे कुछ नहीं सुनना, आप भी जाओ। दिन भर खाना पकड़ने के बहाने पता नहीं कहाँ सो जाते हो। आज खाली हाथ आओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हाँ जाओ, अरे जाओ जाओ। क्या बोलने का, मेरा घर में कोई इज्जत ही नहीं है। देखो ना कैसा बीवी है मेरा, कुछ भी बोलो तो चिल्लाती है डांटती है। अयो, जो आ गया, खतरनाक शिकारी।
जिस दिन ये मछली पकड़ेगा ना, उस दिन से मैं पानी पीने छोड़ दूंगा रे। पता नहीं इन्हें कैसे पता चलता है कि मैं उन्हें पकड़ने आता हूँ। लगता है मुझे कहीं और शिकार ढूंढना पड़ेगा। मजा आ गया। अयो आप जैसा शिकारी मैंने आज तक नहीं देखा। एक अकेला मगरमच्छ क्या कुछ करेगा। मैं तंग आ गया हूँ। आज फिर से काली हाथ घर पहुँचूंगा तो मेरी बीवी तो मुझे ही खा जाएगी। अयो क्या है, जरूरी है आपने नदी में ही खाना ढूंढे? तो मैं क्या करूं? मुझे काली पेट कुछ सूझ नहीं रहा है। यहाँ किनारे पर इतने फ्रूट है, फल है, पेड़ है, पत्ते हैं, जो मर्जी खाओ और अपनी पत्नी के लिए भी ले जाओ। अयो क्या तरकीब है, थैंक यू वेरी मच। अयो रावो मेरा बैग, लगता है स्लिप डिस्क हो गया है। अयो अब क्या हो गया? मुझे पेड़ पे चढ़ना नहीं आता। अरे तो क्या हुआ? नो प्रॉब्लम, वरी नॉट, मुंह खोलो जामुन खा लो। अब बंदर नहीं भगवान है। ठीक है ठीक है ठीक है, अब और जामुन खाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, और खाऊंगा तो मेरा पेट फट जाएगा। पेट भर गया तो अपनी वाइफ को भूल गया? वेरी बैड वेरी बैड। हाँ मर गया, दे दो जामुन दे दो। अब देर की तो जामुन देने के पहले ही वो मुझे खा जाएगी। राइट राइट। हाँ मेरी प्यारी मगु, मेरी सुंदर मगु, मेरी भोली नहीं बोली नहीं, मेरी डेंजर मगु, आज तेरे लिए लाया हूँ मैं कुछ खासम खास। मेरी मगु नाचो, मेरी प्यारी नाचो। गाना लाए हो या गाना? अरे आज लाया हूँ मैं कल भी लाऊंगा। जब तक ये धरती रहेगी, आसमान रहेगा, नदी रहेगी, मैं लाऊंगा। अयो शायरी बंद करो और खाना इधर लाओ। मैं खिलाऊं? आ, आ? ए?
कहा था ना मैंने, कितने बढ़िया है ये जामुन। लेकिन तुम्हें कहाँ मिले? आजकल जामुन के पेड़ पानी में उगते हैं क्या? नहीं, वो क्या है ना कि आज मैं तैरते तैरते शिकार की तलाश में दूर तक गया था, फिर वो सूरज पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ रहा था, फिर और बढ़ रहा था, मैं देखूं तो और बढ़ रहा। कहानी बंद करो और बताओ जामुन कहाँ मिले? नदी के उस पर एक जामुन का पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक बंदर रहता है, वो मेरा दोस्त बन गया, उसने दिए। जामुन मीठे, बंदर रोज खाता है। मीठे बंदर जामुन बंदर का दिल, हाय जामुन दिल बंदर जामुन दिल, मीठा मीठा मीठा। अयो क्या सचमुच तुम्हारा दोस्त बन गया है वो? हाँ, अम्मा का सौगंध मेरा दोस्त बन गया। हाँ, ओहो तो कल उसे अपने घर खाने भी बुलाओ ना। लेकिन डॉर्लिंग्स, हमारे पास कुछ भी तो नहीं है। हम उसे खाने पे बुलाएंगे और उसे ही खा जाएंगे। सोचो अगर वो बंदर इतने मीठे जामुन रोज खाता है तो उसका दिल कितना मीठा होगा। रामा नहीं, चीटिंग है, लेकिन लेकिन उसने हमें काना दिया है और वो मेरा दोस्त है और मैं तुम्हारी पत्नी। उठो और जाओ उस बंदर को ले आओ। अयो जाओ, जाते कि नहीं? हेलो मगरमच्छ जी, क्या आज से आपकी टीवी शाकाहारी बन गई है क्या मगरमच्छ जी? हेलो कुछ बोलो ना, कुछ बोल ही नहीं रहे। नमस्कार मगरमच्छ जी। नमस्कार। आइयो मगरमच्छ जी, क्या हुआ? आपकी वाइफ को जामुन पसंद नहीं आया क्या? पसंद आए, बहुत पसंद आए। तो फिर इतना उदास क्यों? नहीं, वो मेरी पत्नी ने मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया है। दुविधा? हाँ, ऐसे वो चाहती है कि आप हमारे यहाँ खाने पे आए, मतलब टाइम है तो। उसमें उदासी कैसे है? चलो चलते हैं। आप अपना घर से अपना बिजी स्केड्यूल छोड़ के अपना प्यारा पेड़ से इतना दूर काय को, मतलब। अरे आपने बुलाया और मैंने नहीं आया, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे कुछ खास तैरने को नहीं आता है, नो स्विमिंग यू नो। मैं आपके बैक पे बैठ के आराम से आएगा। ओए बंदर रुको, मेरी सुनो। त्रिश हमें कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगा। बाल्टी बॉय, हम ऐसे कहानी बदल नहीं सकते। क्रिश, वो बंदर है, तुम्हारा भाई है। हाँ, वो बंदर है, मेरा भाई है। इसका मतलब वो चालाक और होशियार है। वो अपना बंदर दिमाग इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेगा। तुम चिंता मत करो। हा? लेकिन लेकिन चुप बाल्टी बॉय। अरे मगरमच्छ जी, इस स्पीड में तो आज नहीं, अपन कल के खाने में पहुंचेगा। बंदर भाई, कुछ नहीं, फास्ट चलते हैं, ये सफर जितनी जल्दी खत्म हो उतना अच्छा है। कुछ तो बात है। आपकी वाइफ खाना तो ठीक से बनाती है ना? मेरी पत्नी, छोड़ो अभी, मैं फास्ट चलता हूँ। अरे देखो देखो, क्या हम सपना देख रहे हैं क्या? क्या सच में ये शिकारी बन गए क्या?
ये क्या कह रहे हैं मेरा दोस्त? दोस्त? तुमने मुझे दोस्त कहा और मैं तुम्हारे साथ धोखा करने जा रहा था। धोखा? अयो कैसा धोखा? जब मेरी पत्नी ने जामुन खाए, कहने लगी अगर ये जामुन इतने मीठे हैं, तो इन्हें रोज खाने वाला बंदर का दिल कितना मीठा होगा। कोई खाना वाले नहीं है दोस्त, तुम ही मेहमान हो और तुम ही खाना। माफ कर दो दोस्त। और उसने आपको मेरा दिल लाने को बोला? बंदर भाई तुम हंस क्यों रहे हो? अयो और नहीं तो क्या। अरे बुद्धू आज तुम फिर से मार खाएगा। मतलब? मतलब हम बंदर अपने दिल अपने घर में छुपा के रखते हैं। इतनी कीमती चीज थोड़ी हम यहाँ वहाँ लेके घूमते हैं। कहीं खो गए तो? चलो 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 वापस घर चलो। घर से मेरा दिल लेके आते हैं, नहीं तो तुम्हारी वाइफ तुम्हारा दिल खा जाएगी। तुम अपना दिल दोगे? रियली? मगर मत जी, दोस्तों को दिल नहीं देगा तो किसको देगा? चलो चलो फास्ट फास्ट फास्ट। अरे वाह 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 वाह, आज क्या खुशी का दिन है। आज गाएंगे खुशियां मनाएंगे। ओ आज गाएंगे खुशियां मनाएंगे। बच गया। अरे चलो दोस्त चलो, अपना दिल जल्दी से ले लो। टाइम वेस्ट मत करो दोस्त, चलो चलो, नहीं तो मुझे फिर से डांट खानी पड़ेगी। चलो 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 क्विक क्विक। तुम्हारा किस्मत में वही लिखा है मूर्ख। इतना भी नहीं समझ में आता, दिल को शरीर से निकाल के कोई जिंदा रह सकता है? अब भागो यहाँ से। तुम्हारी वाइफ को दिल नहीं है और तुमको दिमाग, नो इंटेलिजेंस, मैड बॉय। और ऐसे लोग से दो हाथ दूर रहना ही समझदारी है। वाह बंदर भाई वाह, बहुत मजा आया। वाह वाह वाह। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? मैं बताऊं? हाँ बोलो बाल्टी बॉय। इस कहानी से हमने सीखा कि जब मगरमच्छ हमें पकड़ ले तो हम उसे कहेंगे कि हम अपना दिल घर छोड़ के आए हैं और भाग जाएंगे। एकदम सही बाल्टी बॉय, यही अंतर है गधे और बंदर में। चुप करो क्रेश, हमने ये सीखा कि उस मगरमच्छ जैसे मूर्ख से दोस्ती करना किसी से दुश्मनी करने से कम खतरनाक नहीं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बाल्टी बॉय, सोचने के लिए तो दिमाग की जरूरत होती है ना, और वो तो तुम किसी पेड़ पर छोड़ आए हो, है ना? क्रेश, तुम बाल्टी बॉय से दूर ही रहो, नहीं तो। ओ क्रेश, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मूर्ख से दूर रहना है। क्रिश, मुझे लगता है क्रिश ने मुझे मूर्ख कहा। क्रिश माफी मांगो। सच बोलने के लिए माफी मांगो? क्यों? आज का तो भलाई का सपना ही नहीं रहा। चुप, मैंने कहा चुप।